हे गाइस, नर्सिंग का नंबर वन चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग का बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप को जरूर डाउनलोड करें, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सो पहला क्वेश्चन से नर्स शब्द में एन का अर्थ क्या है, नोबिलिटी, नॉर्मस, नॉमिनल या फिर नॉर्मल। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोबिलिटी। देखो नर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एन, एन फोर आपका होता है नोबिलिटी, नोबिलिटी। देन यू, यू फोर, U फोर होता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आता है R, R फोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन आता है S, S फोर सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी। और एंड में आता है ई, ई फॉर इफिशियंसी, इफिशियंसी, ठीक है। तो इसमें से कोई भी लेटर का मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। तो हमारा एन फॉर क्या था, नोबिलिटी, ऑप्शन ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन से नर्सिंग प्रक्रिया का बेसिक स्टेप का सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो मैं आपको बता दूं, नर्सिंग प्रक्रिया में अगर आप बेसिक स्टेप देखोगे उसमें भी सिक्वेंसली, तो सबसे पहले आपका होगा आकलन, ठीक है। कोई भी पेशेंट जब आता है अपना व्यथा लेके, तो उसका सबसे पहले आकलन किया जाता है, उसके बाद एक नर्स के द्वारा उसका योजना बनाया जाता है, ठीक है, योजना बनाया जाता है। उसके बाद उसका क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक है, मतलब एक्शन किया जाता है, उसके बाद उसका मूल्यांकन होगा। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से नर्स द्वारा जैविक चिन्ह, वाइटल साइन और मरीज को आराम की स्थिति में रखना अभ्यास के किस मानक पर किया जाता है, ऑप्शन ए आकलन, ऑप्शन बी निदान, ऑप्शन सी योजना, ऑप्शन डी क्रियान्वयन। तो ये मैंने सिक्वेंस में बताया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाइटल साइन और मरीज को आराम की स्थिति में रखने के लिए कौन सा जो पहला मानक होगा वो क्या होगा। तो देखो पहला जो होगा आकलन, ओके, आकलन होगा तभी आप मरीज की आराम की स्थिति को उसको प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा आकलन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नर्सिंग प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक भाग कौन सा है, समस्या का आकलन या मरीज की आवश्यकता का पता लगाना, ऑप्शन बी योजना बनाना एवं लक्ष्य निर्धारण, ऑप्शन सी नर्सिंग इंटरवेंशन या फिर मूल्यांकन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्या का पता लगाना, ठीक है, समस्या का आकलन करना, देन मरीज की आवश्यकता का पता लगाना। ये जो नर्सिंग प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक भाग होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा कार्य मेल प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है, मेल प्रैक्टिस क्या होता है, मतलब एक नर्स को मतलब नहीं करना चाहिए, ओके, मेल प्रैक्टिस वो होता है नेगेटिव सेंस। ऑप्शन ए जब एक नर्स मरीज को गलत दवा दे देती है, ऑप्शन बी जब नर्स मरीज को दवा देना भूल जाती है, ऑप्शन सी जब नर्स दवा पर लगे लेबल को बिना पढ़े ही मरीज को दे देती है, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो मेल प्रैक्टिस के अंतर्गत आप देखोगे तो आपका ये आएगा, जब नर्स दवा पर लगे लेबल को बिना पढ़े ही मरीज को दे देता है तो वो मेल प्रैक्टिस के अंतर आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मरीज से व्यक्तिपरक डेटा इकट्ठा करना कौन सी अवस्था में आता है, ऑप्शन ए आकलन अवस्था, ऑप्शन बी क्रियान्वयन अवस्था, ऑप्शन सी नर्सिंग निदान अवस्था, ऑप्शन डी योजना अवस्था। तो नर्सिंग प्रोसेस में ये चार ही आपको फेज देखने को मिलता है, मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। तो इसमें अगर डेटा सब्जेक्टिव डेटा होता है उसको कलेक्ट करने किसके अंतर्गत आएगा, तो ये जो आएगा आकलन अवस्था में आएगा, ठीक है, आकलन अवस्था में आएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्सिंग प्रक्रिया
के कौन से भाग में वास्तविक समस्या का पता लगाया जाता है, वास्तविक जो एक्चुअल जो समस्या है उसका पता लगाया जाता है, आकलन, क्रियान्वयन, नर्सिंग निदान या फिर योजना बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्सिंग निदान। ठीक है, नर्सिंग निदान में जो वास्तविक समस्या होता है उसका पता लगाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नर्सिंग निदान मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस का उदाहरण है, हाइपरटेंशन, दर्द, सदमा या फिर हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्द। ठीक है, नर्सिंग निदान जो होता है वो पेन से रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब इसका एक एग्जांपल, सबसे मेन एग्जांपल होता है पेन। हाइपरटेंशन, सदमा ये सब तो बाद की बात है, सबसे पहले पेन को डायग्नोस करना ही एक नर्सिंग डायग्नोस के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण, ओके, अंतिम चरण, मूल्यांकन, आकलन, निदान या फिर क्रियान्वयन। तो अंतिम चरण क्या हो जाएगा? तो अंतिम चरण होगा मूल्यांकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रक्रिया की क्रियान्वयन वाले स्टेज में क्या किया जाता है? ऑप्शन ए, डेटा का संग्रहण किया जाता है। ऑप्शन बी, मरीज को वास्तविक नर्सिंग देखभाल प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी, नर्सिंग केयर की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है या फिर लक्ष्य निर्धारण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरीज को वास्तविक नर्सिंग देखभाल प्रदान की जाती है। ठीक है, ये जो होती है नर्सिंग प्रक्रिया की जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होती है उसमें आपको देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द गाइडेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रोसेस में एक्शन फेस में सम्मिलित होता है, व्यक्तिपरक आकलन, ऑप्शन बी योजना, ऑप्शन सी क्रियान्वयन एंड ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो एक्शन जो फेस होता है उसमें क्रियान्वयन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक नर्सिंग प्रोसेस में एक्शन फेज होता है, मतलब ये एक्शन फेज होता है, एक्शन लिया जाता है क्रियान्वयन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज की देखभाल करते समय नर्सों द्वारा नर्सिंग केयर प्लान, जो नर्सिंग केयर प्लान होता है उसको बनाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, रोगी को पूर्ण एवं उचित नर्सिंग केयर देना। ऑप्शन बी, मरीज की समस्या का आकलन करना। ऑप्शन सी, मरीज को लगातार नर्सिंग केयर देना या फिर मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा देना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोगी को पूर्ण एवं उचित नर्सिंग केयर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरीज से सूचना इकट्ठा करना और व्याख्या करना क्या दर्शाता है? मरीज का आकलन, देखभाल की योजना, मरीज की स्वास्थ्य समस्या या फिर मरीज का नर्सिंग क्रियान्वयन करना। तो अगर उनसे सूचना इकट्ठा करके उसका व्याख्यान किया जा रहा है तो इससे ये दर्शाया जा रहा है कि मरीज की स्वास्थ्य समस्या कैसी है। ठीक है, मरीज का जो स्वास्थ्य समस्या है उसको इसके थ्रू दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यावसायिक नर्स में कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? ईमानदारी, ज़्यादा बात करने वाली, काम के प्रति समर्पण या फिर समय, सामग्री एवं ऊर्जा का सदुपयोग करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़्यादा बात करने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो व्यावसायिक नर्स होता है उसमें ज़्यादा बात करने वाला क्वालिटी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नर्सिंग प्रक्रिया करते समय निम्न में से कौन से सिद्धांत का अनुप्रयोग किया जाता है? सुरक्षात्मक वातावरण तैयार करना, आराम प्रदान करना या फिर काम करने की अच्छी एवं सहयोगात्मक भावना होना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं एक नर्सिंग प्रक्रिया के समय ये सारे सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नर्सिंग कार्य स्वतंत्र है? मुंह द्वारा ड्रग देना ये स्वतंत्र नहीं है, जब तक आपको ऑर्डर ना मिले आप ये नहीं कर सकते। इंजेक्शन लगाना ये भी बिना परमिशन का आप नहीं कर सकते। रक्तदान करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी आप बिना परमिशन के नहीं करते हो। ठीक है, तो क्या स्वतंत्र रूप से नर्स कर सकती है? स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट, 24 आवर के मूत्र को इकट्ठा करने पर कौन सी प्रिजर्वेटिव का उपयोग किया जाता है? 24 आवर के लिए जो यूरिन कलेक्ट किया जाता है उसको सही से रखने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है कौन सा? टैलुइन, वोरिक एसिड,
फॉर्मेलिन या फिर ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उसको सही से रखने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ये तीनों ही किया जाता है, टाइल्यून का भी किया जाता है, बोरिक एसिड का भी और फॉर्मेलिन का भी। आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूत्र की विशेष गुरुत्व का आकलन करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यूरिनोमीटर, ऑप्शन बी रेफ्रैक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी रिएजेंट स्ट्रिप्स एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मूत्र की विशेष गुरुत्व का आकलन करने के लिए यूरिनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, रेफ्रैक्ट्रोमीटर का भी किया जाता है और रिएजेंट स्ट्रिप का भी किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के साथ शर्करा का आना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिसयूरिया, एन्यूरिया, ग्लाइकोसूरिया या फिर ओलिगूरिया। अगर मूत्र के साथ शर्करा आ रही है तो उसको बोला जाएगा ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूत्र के नमूने से वेनेडिक्ट टेस्ट निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है ये किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? एसीटोन, ग्लूकोज, वाइल सॉल्ट या फिर वाइल पिगमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। अगर मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा ये जांचना हो तो आपको वेनेडिक्ट टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको तैयारी और भी बेहतर बनाना, अगर आपको इस साल कंफर्म गवर्नमेंट में सीट चाहिए तो हमारे ऐप से जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, सभी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में मॉक सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, इतना भरपूर आपको क्लासेस दिया जाएगा जिससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक नाम मात्र फी के साथ आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना फिर भी ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पे आपको मैं 8000 क्वेश्चंस का पीडीएफ दूंगा। उस पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेते हो तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पीडीएफ भी आपको ऐप में ही मिलेगा और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सभी लोग जाएँ और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें।